छतरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक महिला की 5 साल पुरानी अंधी हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला का पति ही महिला का हत्यारा निकला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति के साथ एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। 11 सितंबर 2018 को सिविल लाइन क्षेत्र तलैया में महिला का शव मिला था। महिला के रस्सी से हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने महिला का शव बरामद किया और महिला की शिनाख्त के लिए उसके पटवारी पति राकेश अहिरवार को बुलाया, लेकिन पटवारी ने मृतका को पहचानने से इनकार कर दिया था। और फिर 15 दिन बाद ओरछा रोड थाने में पत्नी के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बंद हो चुकी फाइल को फिर से खोला और मृतका के पटवारी पति को भोपाल से लाया गया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उसके चरित्र पर शक करती थी, जिसके चलते आए दिन विवाद होता था। उसी कारण परिवार के साथ भी झगड़ा होता था, जिससे परेशान होकर उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करवा दी। पटवारी ने बताया कि उसने हाथ पैर बांधकर अपनी जिंदा पत्नी को कार में रखकर तलैया में फेंक दिया था। आरोपियों में से एक एसडीएम छतरपुर विनय द्विवेदी का ड्राइवर है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। ये थाना सिविल लाइन में सन 2018 में एक लाश मिली थी, जिसमें महिला जो थी वो सन्मति स्कूल के पीछे पानी में मिली थी उसकी लाश, और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इसमें थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात के खिलाफ। इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इन्वेस्टिगेशन की गई, साक्ष्य एकत्रित किए गए, और इसमें इसका जो पति है प्रथम दृष्टया वो आरोपी सिद्ध हुआ है इसमें, और इसके दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इसने अपनी पत्नी को मारा है और मारकर वहाँ फेंका था। इसमें अभी तक दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक आरोपी संभवतः एक दो दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।